ఈశ్వర్ అల్లా యేస్ ఒకడే కదరా బాస్ దేవుడికెందుకు జెండా మాసం అల్లా అల్లాకి బదిలిసే తిరంగా ర్యాలీ బహుత్ అచ్చా కుశలరా ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कंक्लूडेड में माइनॉरिटी मोर्चा ने तय किया है, इस देश में रहना है तो तिरंगा लहराना है, अगर इस देश में रहना चाहे तो वंदे मातरम गाना है। इसी सिलसिला में सभी मुसलमानों को मैं हथबंद गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी तरफ से, आप 15 अगस्त को अपने हर घर पर तिरंगा लहराओ, फख्र से बोलो भारत माता की जय। युवा खिलाड़ियों का रेस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। जो अपने देश में मोहब्बत करने वाला है, सभी लोग भारत माता जय बोल रहे हैं, सभी घर में मांग के तिरंगा मांग के उनका घर पे ऊपर तिरंगा लहरा रहे हैं। आगे और दो दिन है ना, 15 अगस्त को और दो दिन है, और कुछ करना कर रहा है क्या कार्यक्रम? हम क्या कर रहे हैं, मस्जिदों के बाहर झंडे तिरंगा बांट रहे और गुरुद्वारों के पास बांट रहे और जैन टेम्पल पास बांट रहे और मदरसा में जाके तिरंगा बांट के हर घर तिरंगा लहराने के लिए हम बोल रहे हैं। ईश्वर अल्लाह यस ఒకడే కదరా బాస్ దేవుడికెందుకు జెండా ర్యాలీ కా సెలబ్రేషన్ జో భారతీయ జనతా పార్టీ మైనారిటీ మోర్చా కే तहे से आज हमें हैदराबाद में हैदराबाद की शान और चार मीनार से हम यहाँ पे ये अमन का पैगाम देने निकले हैं कि सारे विश्व में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। इस पंक्तियों को जो लेकर हम यानी तिरंगे की शान को आज विश्व में तिरंगा झंडा बहुत शान के साथ लहरा रहा है माइनॉरिटी यानी सभी तेलंगाना में, जो हैदराबाद से जो चार मीनार से हम जो माइनॉरिटी मोर्चा ने हर घर तिरंगा का यात्रा का जो कदम उठाया है, हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, यहाँ जिस देश में हम रहते हैं हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन मादरे वतन की कदर करना चाहिए। जो जिस शख्स मादरे वतन की कदर नहीं करा, वो जो दीन की अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए अमालों पर नहीं चला, वो मुसलमान से अलग है, दूर है। हम इसलिए हम शान के साथ, गर्व के साथ, फख्र के साथ कहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम हम कहेंगे। इस नारे को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें घर घर तिरंगे का जो निनाद दिया है, हर घर तक हम इस निनाद को पहुंचाएंगे, हर घर तिरंगा को पहुंचाएंगे, हर घर पे तिरंगा लहराएगा, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। स्वातंत्र के लिए लड़े आपका फेवरेट लीडर कौन है? जो आजादी के जो 78 वर्ष हो चुके हैं, जो आजादी का हम ये बनाते हैं, जो माइनॉरिटियों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान दे चुके हैं, ऐसे बहुत सारे। आप मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा कि अशफाक उल्ला खान, रामविलास बिस्मी, इन्होंने उनके बलिदानों ने अशफाक उल्ला खान को आज हम लोग भूल चुके हैं, रामविलास बिस्मी को भूल चुके हैं। अपने हैदराबाद के जो बहुत माइनॉरिटी के नेता, जब निज़ाम के जो आज़ादी के जब जैसे जितने लोग अपने इस जमीन के लिए अपने खूनों को, पसीनों को, तन मन धन को लुटाया है, ऐसे लोगों में, करोड़ों लोगों में, लाखों लोगों में माइनॉरिटीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे स्वतंत्र संग्राम में बलिदान में जब तिरंगे को हाथ में लेकर वंदे मातरम का निनादा लेके आगे बढ़ के देश को आज़ाद बनाने में बहुत सारे माइनॉरिटी मुसलमान, आज हम भी फख्र के साथ कहेंगे, गर्व के साथ कहेंगे, नया भारत बनाने के लिए, देश को नई बुलंदियों पे ले जाने के लिए माइनॉरिटियों का सहयोग और माइनॉरिटियों का, नरेंद्र भाई जी ने बोला, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास, सबका प्रयास, वो सबके प्रयास में माइनॉरिटी भी आज आगे है, रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अब बोल ईश्वर अल्लाह यस ओकडे कदरा बस देवुडिकेंदुकु जंडा। बहुत बढ़िया, खूब चल रहा तिरंगा का रैली का सेलिब्रेशन, पिछले 75 सालों से कभी नहीं, 2 साल से लास्ट ईयर, ये ईयर नरेंद्र मोदी साहब ने हर घर तिरंगा लहराने का एक बात, एक मुद्दा उठाए है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई मिलकर हर घर पे, हर छत के ऊपर तिरंगा लहराने का वादा कर रहे हैं। आज से हम माइनॉरिटी मोर्चा आज 13 तारीख और 14-15 तीन दिन में हर घर तिरंगा लहराने के लिए, हर घर को हम पहुंचाएंगे, हर मदरसे को पहुंचाएंगे, हर घर में हम तिरंगा लहराने के लिए काम करेंगे। बड़ी खुशकिस्मतदार है 75 साल के बाद हम तिरंगा लहराने में त्यौहार, बड़े उमदे पैमाने पे त्यौहार मना रहे हैं। इस त्यौहार में मनाने में हमें कोई कुर्बानी देने के लिए जब हमें मौका नहीं मिला, लेकिन इस त्यौहार को एक ऊंचे शान पे मनाने के लिए हमारे को ऊपर वाले में एक मौका दिया, हमें इस त्यौहार को बड़े ऊंचाई पे, बड़े उंदे से इस त्यौहार को मनाएंगे और सारे देश में हर घर तिरंगा लहराएंगे। और मेरा भारत इतना खुशकिस्मतदार है, यहाँ पर जीने वाले 140 करोड़ लोग
खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे देश को देखकर बाजू के देश बहुत आगे बढ़ने की तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि भारत इस सारे दुनिया में भारत इतना आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहा है, उस भारत को देखकर हम भी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना बोल के भारत को लेकर उन लोग एग्जाम्पल बनाकर सारे देश भारत के देश के जितने चारों कोनों के देशवासी कोशिश कर रहे हैं। आज कितने खुशकिस्मतदार हैं यार, हम खुशियाँ हम बांट रहे हैं भारत के 75 साल के तिरंगे के त्यौहार पर। हर घर तिरंगा लहराने की हर घर कोशिश कर रहे हैं हम। नौजवानों को और युवा खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या है भाई, बहुत बड़ा संदेश है, आज़ादी ही बड़ा संदेश है हमारे लिए। आज़ाद स्वेच्छता स्वच्छता जीने के लिए इतना बड़ा उंधा मिला है हमें, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, आज़ादी के लिए जान गंवाने के लिए मौका तो नहीं मिला, लेकिन सब मिलकर जीने का तो स्वेच्छा मिला। इसने बड़ा क्या मौका मिलेगा हमें, क्या हम किसी को एग्जाम्पल देंगे। बहुत खुशकिस्मत आभारी है हम इस देश के वासी नागरिक होने के नाते। थैंक यू।